Today I am going to tell you, NASA reveals life-ending asteroid approaching Earth January 18, 2022. Oh my God! ऐसा asteroid जो पृथ्वी से हो सकता है कि 18 जनवरी को टकराए, तो उसकी संभावना बनी हुई है. लेकिन उसके लिए बहुत से solution लेके जा रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा. तो उसके लिए नासा रिवील्स न्यू प्लान टू स्टॉप एस्टेरॉयड बिफोर दे हिट अर्थ. नासा ने कुछ प्लान्स बनाए हैं कि उनको एस्टेरॉयड को हिट नहीं होने देंगे, और उसके लिए उन्होंने बहुत से प्लान बनाए. नासा प्लान डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. वो चाहते हैं कि जो एस्टेरॉयड आया अर्थ के पास, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए जिससे वो अर्थ से ना टकराए. एडमिशन दैट वुड लॉन्च इन December 2020 टू विजिट द नियर अर्थ एस्ट्रॉयड डीडामास टू टेस्ट एज एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्शन टेक्निक कॉल्ड काइनेटिक इम्पैक्टर. और जो टेक्निक है जिससे कि हमारा एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको काइनेटिक इम्पैक्टर कहते हैं. दिस एसेंशियली स्लैम्स अ प्रोजेक्टाइल इनटू एन इनकमिंग ऑब्जेक्ट. The US has three possible methods for deflecting any potential hazardous asteroid from hitting Earth. Donald Trump जी ने तीन methods बताए जो जिससे कि हम asteroid वो लोग deflect कर सकते हैं, उसका position change कर सकते हैं. जिसमें पहला है a gravity tractor that would park a spacecraft near the asteroid. Let the gravitational attraction of two objects nudge the asteroid off course. जब दो चीज़ों के बीच में कोई एक hindrance आ जाती है, तो उसका attraction जो है वो ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि asteroid जो होता है वो अर्थ के attraction से उसकी तरफ खिंचा चला आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को ख़त्म करने के लिए गुरुत्वाकर्षण tractor बनाया, जो क्षुद्र ग्रह के पास एक अंतरिक्ष यान को पार्क करेगा, दो वस्तुओं के गुरुत्वाकर्षण को एस्ट्रॉयड को बंद कर देगा और एस्ट्रॉयड के गुरुत्वाकर्षण को ख़त्म कर देगा. एक अंतरिक्ष यान को उसके और अर्थ के बीच में पार्क कर दिया जाएगा. अ काइनेटिक इम्पैक्टर दैट वुड स्लैम्स अ स्पेसक्राफ्ट इनटू एस्ट्रॉयड टू नॉक इट ऑफ कोर्स. एक काइनेटिक इम्पैक्टर जो एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड में पटक देगा ताकि वह निश्चित रूप से बंद हो जाए, और वो जगह जहाँ से वह अट्रैक्शन हो रही है वहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट को पटक दिया जाएगा. अ न्यूक्लियर स्ट्राइक एम एट वेपोराइजिंग द सरफेस ऑफ एस्टेरॉयड क्रिएटिंग जेट ऑफ मटेरियल दैट वुड बी पुश द एस्टेरॉयड ऑफ कोर्स. और ऐसा एस्टेरॉयड की सतह पे वाष्पीकृत वेपोराइजेशन करके करने के उद्देश्य से परमाणु हमला किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर जेट के तरह की मटेरियल बन जाएगा, जिससे कि एस्ट्रॉयड का अट्रैक्शन पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा. तो इस तरह से तीन तरीका है जिसके थ्रू हम लोग एस्ट्रॉयड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नासा ने ऐसा बताया. लेकिन इन तीनों विकल्पों में संभावित एस्ट्रॉयड प्रभाव से कम 10 साल के बीच समय की आवश्यकता होगी. नासा के ग्रह रक्षा अधिकारी लिंडल जॉनसन ने टेली कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, और सभी को अंतरिक्ष यात्रियों के बजाय रोबोटिक अंतरिक्ष यान से पूरा किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यान में यात्री जाएं उस चीज़ों को टैकल करने के लिए, उससे अच्छा अंतरिक्ष यान को रोबोटिक अंतरिक्ष यान बनाया जाए जो उसको टैकल करे और मानवता की हानि ना हो. तो उसके लिए नासा प्रथम है. सो दिस इज द शॉर्ट वे व्हाट आर द थ्री मेन वे दैट नासा कुड पोटेंशियली स्टॉप एन एस्ट्रॉयड फ्रॉम हिटिंग अर्थ. तो नासा ने इन तीन चीज़ों को बनाया जिससे कि एस्ट्रॉयड अर्थ को हिट नहीं कर पाए. दिस कुड बी डन बाय इंपैक्टिंग इट विद अ नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्टाइल, सिंपली टगिंग द एस्ट्रॉयड इनटू अ डिफरेंट ऑर्बिट विद अ नियर बाय हाई मास स्पेसक्राफ्ट.
उसके पास एक हाई मास स्पेस क्राफ्ट लगा के उसको दूसरे ऑर्बिट में डिफ्लेक्ट कर देगा। अब्लेटिंग द एस्ट्रॉइड सर्फेस विद हाई पावर लेजर और नियर बाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके उसको डिफ्यूज करेगा। प्लेसिंग ए स्मॉल रॉकेट ऑन एस्ट्रॉइड सर्फेस, और रोबोटिक रॉकेट उसमें डाल करके उनकी सर्फेस पे उसके एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करेगा। फाइव स्टेप्स टू प्रिवेंट एस्ट्रॉइड, अब ऐसे पांच स्टेप हम लोग को इन लोगों को नासा में बोला कि जानना चाहिए जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जिसमें पहला है फाइंड। इफ वी डोंट नो द एस्ट्रॉइड इज देयर वी कांट प्रिवेंट इट इंपैक्ट, द फर्दर अहेड ऑफ इंपैक्ट वी फाइंड द थ्रेटनिंग एस्ट्रॉइड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले तो ये पता करना होगा कि कौन से एस्ट्रॉइड ऐसे आने वाले हैं जो कि हमारी अर्थ को थ्रेट कर सकते हैं, और दूसरा है ट्रैक करें, फिर जब पता लग जाए तो उनको ट्रैक करें कि वो हिट करेंगे कि नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी करेक्टरिस्टिक जाने। टू बोथ अंडरस्टैंड स्पेसिफिक एस्ट्रॉइड कलेक्ट मैनी टेलीस्कोपिक एंड क्विज़मैनी स्पेस क्राफ्ट ऑब्जर्वेशन दैट कैन टेल अस थिंग्स लाइक स्पिन रेट, कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इवन वेदर व्हाट एट फर्स्ट अपीयर टू बी वन एस्ट्रॉइड इज एक्चुअली टू, अ बाइनरी पेयर। Asteroids are highly variable, including in a way that could affect a mission to deflect or dispute an Earth-threatening asteroid. अब उसके सारे characteristic के बारे में जानना होगा, उसका क्या composition है, उसकी physical property क्या है, वो कितनी तेज spin कर रहा है, ये सारी चीज़ें जब हम जान जाएंगे तो हम उसको tackle कर सकेंगे। Deflect. There are a variety of possible asteroid deflection technique in various stages. स्टेट ऑफ रेडीनेस बट ऑल नीड मोर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब बहुत से तरीके हमने पहले तीन तरीके आपको बताए नासा ने जो दिए हैं, और लेकिन उसके लिए टेस्टिंग और समय की जरूरत है। कोऑर्डिनेट्स एंड एजुकेट, नो मैटर हाउ यू लुक एट इट एन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट इज एन इंटरनेशनल इशू दैट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। तो उसके लिए इंटरनेशनली लोग जब कोऑर्डिनेट करेंगे और उस पर काम करेंगे तो एस्ट्रॉइड कैसे टैकल किया जाए जान जाएंगे, और ऐसे तो बहुत हजारों में एस्ट्रॉइड हैं ऑर्बिट्स में जिनको जो कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होके आ सकते हैं, और एक ये बहुत ही डेंजरस होते होंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, If you feel that this information is good, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link given in the description. Join my Telegram channel Tech Ratan to get some support. Thank you. And please must comment on my video how you find it. Thank you.